नमस्कार, आप देख रहे हैं बीपीए न्यूज। देश का सच दिखाते हैं हम। कानपुर से संवाददाता अब्दुल निसार की रिपोर्ट। आज पीपीएन इंटर कॉलेज में संविधान दिवस मनाया गया। शिक्षा निदेशक माध्यमिक उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुपालन में आज कॉलेज में संविधान दिवस मनाया गया। कोरोना वायरस के संक्रमण के संबंध में जारी एडवाइजरी दिशा निर्देशों का अनुपालन करते हुए भाषण निबंध प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। विद्यालय के प्रधानाचार्य राकेश कुमार यादव एवं शिक्षकों के द्वारा संविधान दिवस के शुभ अवसर पर संविधान में उल्लेखित संविधान की उद्देशिका का पाठन किया गया। साथ ही साथ मौलिक कर्तव्य महात्मा गांधी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एवं सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के विचारों के सभी छात्रों को अवगत कराया गया। देखिए खास रिपोर्ट कानपुर से। देश में हर साल 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। इस दिन संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को याद किया जाता है। हमारा देश का संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान माना जाता है, जिसमें 395 अनुच्छेद, 12 अनुसूचियां और 22 भाग हैं। यह हस्तलिखित संविधान है। इसको तैयार करने में 2 साल 11 महीने व 18 दिन का समय लगा। 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान सभा की तरफ से इसे अपनाया गया और 26 जनवरी 1950 को इसे लोकतांत्रिक सरकार प्रणाली के साथ लागू किया गया। क्योंकि हमारे देश का संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ, इसलिए 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये संविधान दिवस 2015 से नियमित रूप से मनाया जाता है। भारत का संविधान देश का, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए और उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्रदान करने के लिए तथा उन सब के व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा को आज तारीख 26 नवंबर 1949 मिति मार्ग शीर्ष शुक्ल सप्तमी सम्मत 2006 विक्रमी को एतद् द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। जय हिंद। YouTube पर अभी हमारे चैनल BPA News को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं ताकि आप कोई भी खबरों को मिस न करें व हमारे वीडियोस को लाइक करें।